हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। आयुष काउंसलिंग 2020 से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया विकलांग स्टूडेंट के लिए। विकलांग स्टूडेंट के लिए एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवाना है, इसके लिए आयुष मिनिस्ट्री ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में उन्होंने कुछ सेंटर के नाम दिए हैं, वहाँ से आपको जो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। ओके गाइस, अगर अदरवाइज आप कहीं से सेंटर से कहीं से भी अगर आप सर्टिफिकेट बनाते हो तो अगर उनमें CCIM की गाइडलाइंस अगर फॉलो नहीं हुई तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आपका साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, वीडियो को स्टार्ट करें। से देख सकते हो, ये आयुष मिनिस्ट्री ने जो है ये नोटिस रिलीज किया है 11/12/2020 को। तो गाइस, ये विकलांग कैंडिडेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो गाइस, जो आयुष काउंसलिंग 2020 में जो विकलांग कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और उस सर्टिफिकेट को आपको CCIM की गाइडलाइंस के अनुसार बनाना है। तो उसके लिए आयुष मिनिस्ट्री ने कुछ सेंटर के नाम दिए हैं, वहाँ से आप उसी सर्टिफिकेट को उन्हीं सेंटर से बनाना ताकि आपकी CCIM की गाइडलाइंस फॉलो एंड आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट ना हो, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आपका 1 ईयर बर्बाद हो सकता है। तो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको आप ACCC ऑफिशियल वेबसाइट एंड मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, ये जो नोटिस है वो आयुष मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है। देखते हैं इसमें कौन कौन से सेंटर है जहाँ से आपको सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर डिसेबिलिटी सेंटर के नाम दिए हैं। डिसेबिलिटीज फॉर विच द डेजिग्नेट डिसेबिलिटी सेंटर इज कैपेबल ऑफ इशू सर्टिफिकेट फॉर 21 बेंच मार्क डिसेबिलिटी एज पर CCIM एंड CH गाइडलाइंस। मतलब यहाँ से आप जो सर्टिफिकेट बनाओगे वो CCIM की गाइडलाइंस के अनुसार होगा और आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो गाइस, कोशिश करना इन्हीं सेंटर से आपका जो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना और आपका 1 ईयर बर्बाद ना हो। अगर आपने कहीं से बनवाया और CCIM की गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ से आप नाम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज यानी कि जो न्यू दिल्ली में, यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा सेंटर दिया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन, तो यहाँ से आप जो लोकोमोटरी जो डिसेबिलिटी है जैसे कि लेप्रेसी है, ड्वार्फिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, तो अगर इस तरह की आपकी डिसेबिलिटी है तो यहाँ से आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप बनवा सकते हो। गाइस तीसरा सेंटर दिया है यहाँ से इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च कोलकाता में, यहाँ से आप बनवा सकते हो, यहाँ से भी आपकी CCIM की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो होगी। एंड मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, तो यहाँ से भी आप बनवा सकते हो, ये 4 नंबर की हैं, यहाँ से भी आपकी जो जितनी CCIM की गाइडलाइंस है वो फॉलो होगी। एंड 5 ग्रांड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बम्बई, यहाँ से भी आप बनवा सकते हो। गोवा मेडिकल कॉलेज, यहाँ से भी आप बनवा सकते हो अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज केरला, यहाँ से भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। एंड 8 SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, यहाँ से भी आप अपने डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो। एंड 9 नंबर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में, एंड 10 नंबर की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि त्रिपुरा में, यहाँ से भी अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। एंड 11 नंबर की जो है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब BHU, यहाँ से भी आप अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना सकते हो जो कि CCIM की गाइडलाइंस के अनुसार होगा। एंड 12 एम्स नागपुर महाराष्ट्र में, यहाँ से भी अपना डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो, पूरा CCIM की गाइडलाइंस के अनुसार होगा। तो गाइस, यहाँ से ही अपना जो डिसेबिलिटी का जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ से बनवाना ताकि आपका जो सर्टिफिकेट वो रिजेक्ट नहीं हो और आपका एडमिशन कैंसिल ना हो और आपका 1 ईयर बर्बाद नहीं हो। तो गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास इसको शेयर करना ताकि वो भी इसको इसका उनको भी पता चल जाए
और वो ऐसा नहीं हो कि अदर सेंटर से उन्होंने सर्टिफिकेट बना लिया और CCM की गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुआ और उनका एडमिशन कैंसिल हो गया और उनका 1 ईयर बर्बाद हो जाए। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड थैंक यू एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।